राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम को सही ठहराते हुए अडानी ग्रुप के शेयर डाउन होने का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अभी अडानी साहब का शेयर डाउन हो रहा है तो देश सहित पूरी दुनिया में तहलका मच गया। मैंने इसी हाउस में कहा था कि हम हमारे कर्मचारियों को शेयर मार्केट की दया पर नहीं छोड़ सकते। आज मेरी बात सही साबित हो गई, पूरा देश हिल गया है, दुनिया के कई देशों में चर्चा हो रही है। अडानी के तमाम शेयर नीचे आ गए तो अब LIC SBI के भी शेयर नीचे आ गए। जिसने भी अडानी को लोन दिया है उन सब के शेयर धड़ाम हो गए हैं। वही बात मैंने कही थी कि NPS के माध्यम से पूरा पैसा शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, वो धड़ाम हो जाएगा तो कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हमारा कर्मचारी है, उसे क्या इसके लायक नहीं रखेंगे कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे? दरअसल राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुन चुन कर आरोपों के जवाब दिए हैं। CM गहलोत ने कहा, बीजेपी ने 4 साल निकाल दिए लेकिन कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर सकी। अभी बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, उसमें न जन दिखा न ही आक्रोश।